हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आज बनाऊंगी मैं पोहा, नमकीन पोहा। तो ये कई तरीके से बनता है, तो मूंगफली डाल के भी बनता है, लेकिन आज मैं बनाऊंगी इसको सब्जी वाला पोहा, मटर और गोभी आलू वाला। तो इसको हम ये मैंने 1.5 कटोरी पोहा लिया है, छोटी वाली। अब इसको मैं धो के साफ़ करके रखती हूँ। देखिए, मैंने धो लिया है इसको साफ़ करके। अब इसको 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रेस्ट करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने एक आलू लिया है कच्चा, हरा प्याज है, आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हैं जो डेली आता है, तो आजकल हरा आ रहा है तो हरा भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 4 मिर्चें ली, एक गोभी ले रखा है, और ये 1 कटोरी मैंने मटर। इन सबको मैं काट काट के बनाऊँगी। सिर्फ फ्रेंड यही सब्जियाँ डालेंगे, इससे ज़्यादा कोई सब्जी डाल के फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। मूंगफली नहीं डालेंगे क्योंकि मूंगफली से टेस्ट अलग हो जाता है, मूंगफली वाला पोहा अलग बनता है। ये सिर्फ सब्जियों वाला मैं बना रही हूँ। चलिए, इसमें हम तेल डालते हैं। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो तेल गर्म हो गया। इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और ये मेरा हरी मिर्च और हरा प्याज। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड, इसमें आप और सब्जी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ 3 चीज़ ही पड़ती है, आलू, मटर और गोभी। तो इनका बना के देखना, बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं तो यही बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो और सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो जैसा भी आप चाहें बनाना। 1 कटोरी है मटर, ये हमारा आलू, ये हमारी गोभी, और इसको हम मिलाएंगे और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा कुक करेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे हम, और ये भुना हुआ जीरा बस। और इसको हम मिला देंगे और इसको हम भूख के पकाएंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए हमारे आलू वगैरह अच्छी तरीके से बनने वाले। इसमें फ्रेंड्स हम हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ हमको नमक और भुना हुआ जीरा डालना है, बाकी। और इससे बहुत ही टेस्टी बनता है, तो हम यही डालेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे। ये फ्रेंड्स मेरा पोहा फूल के कितना हो गया है, तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है, खिला खिला। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया पका हुआ, और हमारे आलू गोभी सब हम ये सब पक चुका है। अब मैं इसमें पोहा डालती हूँ, अपना ये भीगा हुआ पोहा, और इसको हम मिक्स करते हैं। इसी तरीके हम हरा धनिया डालते हैं, और ये हमारा पोहा बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पोहा बन चुका है, और अब इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्च, टेस्ट जो भी डालना चाहें डाल कर, लेकिन ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आपको भी ऐसे बना के देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। मूंगफली भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट फिर अलग हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये लीजिए हमारा तैयार है पोहा, आलू मटर गोभी वाला। हम सर्व करते हैं आलू मटर गोभी वाला पोहा। ये लीजिए मेरा शाम का नाश्ता तैयार है, आलू गोभी मटर का पोहा, और ये चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए हेल्दी भी है और बढ़िया है। आप बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।